आपको पता है हमारी पिछली वीडियो बड़ी वायरल गई है। पता नहीं यार, हमें तो यहाँ पे सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, पता ही नहीं। अच्छा अब ये बताओ, ये प्याज का क्या रेट है, क्या हिसाब है प्याज? यार अब फिर महंगा हो गया भाई, 80 रुपए 70 रुपए किलो पे आ गया था, फिर 100 रुपए किलो हो गया प्याज। 100 किलो ये वो व्यूवर्स कैसे, उम्मीद करते हो कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने जिंदगी से लुत्फानंदोज होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस व्लॉग में, यानी आज का व्लॉग पाकिस्तान में सब्जियों के नाम, वेजिटेबल्स के नाम। इस वक्त मैं सब्जी यानी वेजिटेबल मार्केट में हूँ और यहाँ पे अमूमन आज चूँकि संडे है तो बहुत ही ज़्यादा रश है। इस रश में मैं बाहर जाऊँगा, ये मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये पीछे जो ना वेजिटेबल मार्केट है, इस वॉल के पीछे मैं जाऊँगा और थोड़े सा आपको वेजिटेबल्स के, वो ब्यूटीफुल वेजिटेबल्स भी दिखाऊँगा, उसके प्राइसेस क्या है और क्या हिसाब है, और ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको इस ब्लॉग में दिखाऊँगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना, आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त और फनी होने वाला है, फनी वे में, क्योंकि पाकिस्तान में जो डॉलर है वो नीचे आता जा रहा है, जाएँ कि दूसरी चीज़ें भी नीचे आते जाएँ लेकिन वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इसके बारे में लोगों का रिएक्शन भी देखेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, आए चलते हैं व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये वेजिटेबल मार्केट है, यहाँ पे ये फ्रूट भी है, वो सामने मॉस्क है, ठीक है, और जो मैं खड़ा था वो ये जगह, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, धूप भी बहुत ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। और ये भी आप देख सकते हैं, इसमें करना से टमाटर प्याज, और थोड़ा सा शॉर्ट विजिट करवाता हूँ आपको, उसके बाद हम लोगों का रिएक्शन भी जानेंगे। धूप बड़ी ज़बरदस्त है और ये आप देख सकते हैं इस वक्त गोभी पड़ी हुई है, पोटैटो, आलू, इस वक्त ये भी देख सकते हैं नाजरी। ताहिर भाई तो नाजरीन आज ये आप देख सकते हैं मंडी की सूरत हाल, और चिकन बहुत ज्यादा है, मतलब मिट्टी चूंकि बारिश भी थी कल बहुत ही तेज, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट विजिट आपको करवा रहे, उसके बाद हम रेट रिएक्शन भी जानेंगे लोगों का। और आप ये जगह को देख सकते हैं नाजरीन, पाकिस्तान में यही है कि यहाँ पे सैनिटरी के जो निज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा नाकस है। और आप देख सकते हैं नाज़रीन सब्जियों को यहाँ पे, और ये रास्ते को आप देख सकते हैं बिल्कुल इस वक्त जो है वो मिट्टी मिट्टी हुई है, और ये है तोम अदरक, ठीक है, धूप बड़ी जबरदस्त है नाजरीन, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये आप देख सकते हो रास्ते की सूरत हाल, ओह माय गॉड, ये आप देख सकते हो नाज़रीन, और ये थोड़ा सा शॉर्ट विजिट मैंने आपको करवा रहा हूँ, इसके बाद जो है ना हम रिएक्शन जानेंगे। ये आप देख सकते हो इस वक्त स्काई भी बहुत ही जबरदस्त है। मैं हूँ उस्मान
और हमारी इंटरव्यू जो है बड़ी वायरल गई थी पिछले व्लॉग में, और आज फिर मैं उस्मान के साथ आया हूँ, उस्मान के पास। ये उस्मान जो है यहाँ पे ऑनियन प्याज बेचते हैं, तो वहीं उस्मान से पूछते हैं। उस्मान क्या हाल है? ठीक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? ठीक हो? शुक्र है। आपको पता है हमारी पिछली वीडियो बड़ी वायरल गई है? पता नहीं यार, हमें तो यहाँ पे सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, पता ही नहीं। अच्छा, अब ये बताओ ये प्याज का क्या रेट है, क्या हिसाब है प्याज? यार अब फिर महंगा हो गया भाई, 80 रुपए 70 रुपए किलो पे आ गया था, फिर 100 रुपए किलो हो गया प्याज। 100 किलो? ये वजह क्या है पाकिस्तान में? वजह बस ये पाकिस्तान में डॉलर सस्ता हो जाता है, सौदे महंगे हो जाते हैं, समझ से बाहर है बात यार। तो गा की क्या कंडीशन है? मतलब गा ये आप कैमरा घुमा के बता सकते हैं की क्या कंडीशन है गा की आपके सामने? यहाँ जितनी चीज महंगी होगी उतना गा कम होगा। बुरे हालात है? हाँ जी, पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं यार। अच्छा, तो ये इसकी क्या मतलब आप क्या सुजेशन दोगे हुक्मरानों के? हुक्मरान कहाँ है यार, हुक्मरान हमारे सो रहे हैं, हुक्मरान कहाँ है? बस गरीब आवाम मर रही है, ठीक है कि नहीं? जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, ठीक है कि नहीं भाई? ये तासुरात हमारे पाकिस्तान के। अल्लाह, तो मतलब वो उस जैसी कमाई नहीं है? नहीं, वो चीज नहीं रह गई भाई, पहले हाँ वो दौर चला गया जो कमाई थी, अब तो पेट भी भर जाती है। बस ये शुक्र है कि खाना 3 दिन मिल जाए ना, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करो बस। और शुक्रिया। ये उस्मान भाई थे नाज़रीन, और उस्मान भाई से जब भी गुफ्तगू होती है तो बड़ी वायरल जाती है, उम्मीद है ये भी बहुत वायरल जाएगी। और इसने अपनी सारी स्टोरी बयान कर दी कि पहले क्या हालात है और अब क्या हालात है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब मुझे सपोर्ट करें। ये आप देख सकते उस्मान को जो प्याज भी, ठीक है उस्मान भाई, शुक्रिया। इस वक्त मैं मार्केट में हूँ और आसपास जो है ना आपको मैंने इस कंडीशन से आगाह कर रहा हूँ। चल लोग यहाँ पे ऐसे थे जो हेजिटेट फील करते हैं, मतलब हेजिटेशन होती है उनको, बोल नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन चंद ऐसे हैं जो बोलते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना, बहुत कुछ होने वाला है। ये नाजरा आप देख सकते हो, इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त, और आप देख सकते हैं शॉर्ट विजिट के बारे साइड आप देख सकते और ठीक है, ये शॉर्ट विजिट होना जा रहा है। Oh wow, amazing. खीरा क्या भाव है भाईजान? 50 रुपए किलो। गाजर बंद गोभी और ये मिर्चें 40 रुपए किलो। इसके पता है इन रेट का? 60 रुपए किलो। घिया 60 रुपए किलो। शलजम, शलजम 30 रुपए किलो। और खीरा वो बता दिया। भिंडी 40 रुपए किलो। मैं हूँ, ये है घिया, शलजम, गाजर और वो क्या है बैंगन, घिया तोरी, अरबी और खीरा, और ये है जो ना भिंडी, और इसी तरह वो लेमन है, ठीक है, रतालू है, फूल गोभी है। तो इसमें चीज़ें हैं, और अगर मैं रेट की बात करूँ तो ये आलमोस्ट जितने भी यहाँ पे आइटम्स पड़ी हुए हैं ये आलमोस्ट 100 से अब होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना महंगी है, क्योंकि एक फैमिली एक खेजी जो है ना वो तो नहीं खा सकती, इससे ज़्यादा ही गलम लेके जाते हैं। तो जो पुअर लोग हैं वो इंतहाई मुश्किल से जो है ज़िंदगी जो है ना गुजारते हैं। और ये मैं आपको ज़रा दिखा दूँ तो ये है वेजिटेबल मार्केट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये हमारे चाचा काला जो कि ठीक है, और वो आसपास इसी तरीके से
लोगों का रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से जो है ना वो शाइनेस फील करते हैं, कैमरे के सामने नहीं आते, तो इसलिए खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये आप देख सकते हो हर किस्म के आइटम जो है इसके साथ रखे थे। ये मूलिया भी है, ठीक है, ये मूलिया देख लो। और ये आप देख सकते हो नाजरे, हर एक चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। तो आइन से जो है ना प्राइसेस पूछता हूँ और उसके बाद आपसे मुखातिब होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ये मुझे रेट बता दें, ठीक है जी। ये मुझे बताओ मिर्ची क्या भाव है? मिर्ची भाई 40 के भाव 150 रुपए किलो है। लेमन देसी आपको मिलेगा 250 रुपए किलो। और वो खीरा, खीरा आपको मिलेगा 50 रुपए किलो। बंद गोभी वो 120 है रेट। और ये लाल गोभी ये 30 की कट्टी है। एक और सलाद, सलाद पता 30 का एक। चिकंदर, चिकंदर आपको मिलेगा 200 रुपए किलो। ये वाली जो गाजर है चाइनीज गाजर, ये चाइनीज गाजर आपको मिलेगी 120। ये शिमला, ये आपको मिलेगा 300 रुपए किलो। ये आपको मिलेगी 30 रुपए किलो। और ये जो प्याज है ये 100 रुपए किलो। वो आपके पास जो आलू है, आलू वो भी आपको 100 मिलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बतानी, ये चीजें सस्ती हुई है महंगी हुई है? ये बिल्कुल मुनासिब रेट है, सस्ती है अभी, सस्ती का कोई मरीज नहीं है, ये रेट रहेगा। कम हुए या ज्यादा? गाँव बिल्कुल खाली मंडी भाई है, देख ले खाली मंडी महंगाई की वजह से ना जी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। नाजिन ये मुखातिब थे और आपके सामने सारे प्राइसेस हमने पूछे और जाके मैं आपको ओवरऑल जो है इसका आइडिया देता हूँ, तो वीडियो को आप मेरे लास्ट तक देखना। मैं मार्केट वेजिटेबल मार्केट से बाहर आ चुका हूँ और ये मेरे हाथ में मतलब एक कैरेट भी है जिसे मुझे वहाँ पे एक शॉपकीपर ने दिया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत ही ज़्यादा लवेबल लोग हैं। और ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं नाजरीन, तो प्राइसेस आज से 10 दिन से पहले अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत ही माशाल्लाह डाउन आ चुके हैं, लेकिन दो चीज़ों के प्राइसेस बहुत हाई थे, एक पोटैटो और एक ऑनियन। पोटैटो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 100 रुपये के जी थे, इससे पहले वो 70-80 रुपये के थे या 60 के थे। ऑनियन भी इससे पहले 50-60 रुपये के जी थे और आज जो है ना वो 100 से अबव है। और तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ऐसे हालात में सर्वाइव करना। तो और इसके अलावा मैंने कस्टमर्स के रिएक्शंस भी जानने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शाइनेस फील करते थे, इंटरव्यूज नहीं दे रहे थे, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनको फोर्स करूँ मैं इंटरव्यू देने पर। लेकिन अपने ज़ाती तजर्बे मैं ये, क्योंकि थोड़े से प्राइस जो है वो कंट्रोल होने शुरू हो चुके हैं, जैसे कि पाकिस्तान में डॉलर जो है ना वो नीचे आ रहा है तेज़ी से, तो इसी तरीके से और भी प्राइसेस नीचे आने चाहिए, जो कि उस तरीके से नहीं हुए हैं जिस तरह होने चाहिए। खैर देर आए दुरुस्त है, अब थोड़ी सी चीज़ें सही हो रही हैं, लेकिन अब भी कंडीशंस ये हैं कि गरीब जो लोग हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये इसके बारे में मुझे आपने ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे और भी सजेशन दें कि मैं किस बारे में और कंटेंट बनाऊं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अब तक के लिए इतने ही, खुदा हाफिज़, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।